ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या संकल्प द्वारा भी कार्मिक अकाउंट बराबर होता है? बिल्कुल होता है। जो कार्मिक अकाउंट हमने संकल्प में बनाए हैं वो संकल्प में ही बराबर होंगे। जिनको वाचा से बनाए हैं वो कार्मिक अकाउंट वाचा से बराबर होंगे, और जो कार्मिक अकाउंट कर्मणा बनाए हैं तो कर्मणा बराबर होंगे। संकल्प से हम कार्मिक अकाउंट बनाते वक्त काम कर सकते, बढ़ा सकते। बाकी जो हुआ है वो तो उसी प्रकार से होगा। आप बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं संकल्प से? क्योंकि संकल्प के द्वारा हम उस आत्मा को अपनी गलती की क्षमा याचना गलती की स्वीकृति करने से उस आत्मा के पास ये संकल्प पहुंच जाए तो उसका दुखी होना कम हो सकता है, और वो कम दुखी हुए तो हम भी कम दुखी होंगे। हमने कर्मणा दुख दिया है, वाचा दुख दिया है, संकल्प में भी उसके प्रति नफरत है, क्रोध है, बदले की भावना है, ईर्ष्या है, ये संकल्प भी उस आत्मा तक पहुंच रहे और वे उस दुख को और बढ़ा रहे। बाकी संकल्प का अकाउंट संकल्प में ही बराबर होगा। बाकी ये नहीं कि मैंने उसे कर्मणिक दुख दे दिया है, अकार्मिक दुख देने के बावजूद मैंने उसे संकल्प किया, केवल अपने संकल्प किसी भी आत्मा तक अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार पहुंचा सकते हैं। कितना हमने अपने संकल्पों को पावरफुल बनाया है, कितना हमने अपने संकल्पों से वेस्ट और नेगेटिव थॉट निकाल दिए हैं, कितना हमारे संकल्पों की गति धीमी है, उतने हमारे संकल्प पावरफुल हैं।
उतना ही प्रभावशाली है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।